आओ बेटा, आओ बैठो। बेटे ये रख लो, इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, रख लो। अबू लेकिन ये है क्या? बेटे बुरा मत मानना, इसमें जो कुछ भी है तुम्हारा और हीना का है। रख लो बेटा, ये लो। ये सब बेटे 50 लाख रुपए। मेरे ख्याल से ये रुपए उस बदमाश को देकर तुम और हीना चैन की जिंदगी बसर कर सकते हो। मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूं बेटा। ये लो, रख लो। चलो अबू, इसे आप अपने पास ही रखिए। बेटे इनकी जरूरत पड़ सकती है, मैं बहुत फिक्रमंद हूं बेटा, रख लो प्लीज। अब इसे आप अपने पास ही रखिए, इंशाल्लाह इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं खाने पे आपका इंतजार कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम दोनों इस वक्त यहां? अब्बू दरअसल बात यह है कि समीर का फोन आया था, वो कह रहा था कि वो हैदराबाद जाने वाले अम्मी को लाने, तो अकीर ने कहा कि जब तक अम्मी नहीं आती है तब तक मैं यहाँ रह लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। अब्बू अरे बड़ा सरप्राइज, तुम दोनों यहाँ? तुम्हारी अम्मी के आने तक नमीरा यहीं रहेगी मेरे पास। अब्बू एक ही दिन की तो बात है, मैं आज गया और कल की फ्लाइट से अम्मी को लेकर वापस, और नमीरा अगर अबू अकेलापन महसूस करेंगे तो इस सरफराज अंकल के यहाँ जा सकते हैं। उसका तो नाम ही मत लो मेरे सामने, जो मेरे बेटे के खिलाफ हो जाए उसके मैं क्यों जाऊं? ये क्या कह रहे हैं आप? वो बोला समीर के खिलाफ क्यों होंगे? अकरम को जो धमकियां मिल रही हैं वो समझते हैं कि इसके पीछे समीर का हाथ है। इस सिलसिले में उन्होंने कमिश्नर साहब से बात भी करनी है। क्या उनकी नजर में मैं, उन्होंने मेरे बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? मैं अभी जाता हूं अकरम के पास। नहीं समीर, तुम आ नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा प्लीज, आप मुझे बताओगे। समीर क्यों बात को बढ़ा रहे हो? बात को उन्होंने बढ़ाया तो की, मैं तो बात को खत्म करने जा रहा हूं। समीर 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 साहब, मैं समीर बोल रहा हूँ। जी हाँ समीर, रजा फैजान रजा का बेटा। देखिए आप जितनी जल्दी हो सके हमारे घर आ जाइए, मेरी बहन बहुत सीरियस है। जी हाँ मैं नमीरा की ही बात कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज मेक इट फास्ट प्लीज। समीर साहब ससुराल साहब को भी बुला लीजिए। नाम मत लो उसका, कोई जरूरत नहीं उन्हें बुलाने की। क्या कहा डॉक्टर? जी वो किसी भी पल पहुंच जाएंगे। समीर अपनी अम्मी को फोन लगा, उनसे कहो कि मैं बात करूंगा आपसे, अपनी सारी अना अपने सारे गुस्से को भूलकर मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहां आ जाए, इस घर को उनकी जरूरत है। ठीक है बेटा, ठीक है। आज की दावत तो हमेशा याद रहेगी। जी अबू बड़ा मजा आया और खाना भी बहुत लजीज था। जी अम्मी तो बताओ दोबारा कब रहे आपकी दावत? अब तो आपकी बारी है हमारे यहाँ दावत पे आने की, क्यों अकरम? बिल्कुल, तो अबू इजाजत दीजिए, हम लोग चलते हैं। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ खुदा हाफिज बेटा। अरे ये टायर तो पंचर है और ये वाला भी पंचर है और ये भी। अकरम ये सारे टायर पंचर कैसे हो गए? तुम एक काम करो, मेरी गाड़ी ले जाओ,
ये तो किसी की शरारत है। ऐसा किया किसने? हेलो, पुलिस को इन्फॉर्म करके तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें 50 लाख नहीं 1 करोड़ देने होंगे। क्या 1 करोड़? मगर इतने पैसे मैं दूंगा कहां से? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। जरा नीची आवाज से बात करो मिस्टर अकरम, और सुनो, रकम तुम्हें कब और कहां पहुंचानी है उसके लिए मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। हेलो हेलो हेलो, क्या बात है? क्या ये वही बदमाश था? हाँ वो, और अब उसने 1 करोड़ रुपए मांगे। उसे पता चल गया है कि अबू कमिश्नर साहब से मिले, और अब उसने अपनी डिमांड बढ़ा दी है। लेकिन अबू, मेरे मोबाइल पे फोन करके उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। अब मेरे पास उसका नंबर आ गया है। ये लोग बड़े चालाक होते हैं, इसने जरूर किसी पीसीओ से फोन किया होगा। मुझे कमिश्नर साहब को फौरन इत्तला दे देनी चाहिए। अभी फोन करो उन्हें। हेलो, मैं कमिश्नर साहब से बात कर सकता हूँ? कब से तुम दोनों की राह देख रहा हूं? कुछ एहसास भी कि रात कितनी हो चुकी है? अबू, हम लोग निकल ही रहे थे कि हीना, तुम कमरे में जाओ। जी। रुक जाओ हीना, हीना के यहाँ रहने में हर्ष है। क्या बात है, तुम दोनों के चेहरों पर हवाएं क्यों उड़ रही है? अबू, दरअसल हम डिनर करके निकल ही रहे थे तो हमने देखा कि कार के चारों टायर फ्लैट हैं। चारों टायर एक साथ, इसमें जरूर किसी की शरारत है। जी हाँ, हम लोग सोच रहे थे कि शरारत कौन कर सकता है, तभी उस बदमाश का फोन मोबाइल पर आ गया। क्या कहा उसने? अबू, उसे पता चल गया है कि हमने बात पुलिस तक पहुंचा दी है, और बजाय घबराने के उसने अपनी डिमांड जो पहले 50 लाख की थी अब 1 करोड़ की कर दी है। 1 करोड़? हाँ अबू। अबू, वैसे हीना पहले से घबराई हुई है, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि ये बात उसके सामने दोहराई जाए। अबू, वैसे हमने कमिश्नर साहब को इस बारे में इतला दे दी है। एक बात समझ में नहीं आती, उस बदमाश को कैसे पता चला कि ये बात पुलिस तक पहुंच गई है? क्या तुमने किसी के सामने इस तरह की कोई बात की है, या किसी को तुमने इस बारे में कुछ कहा हो? हाँ, आप समझा। अबू, अब कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। क्या, कौन सी बात? अबू, ये बात मैंने समीर और तौकीर के सामने की थी। तौकीर तो इस बात को सुनकर खुश हुआ था, मगर समीर को ये बात पसंद नहीं आई थी। अबू, मुझे आपकी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। अब मुझे समीर पर शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन हो चला है। इंसान भी कैसे कैसे रंग बदलता है, यकीन नहीं आता। समीर ने ऐसी स्कीम सोची भी कैसे? उसका जमीर इस कदर मर गया है कि वो इस हद तक गिर गया। दोस्ती की पीठ में छुरा मारा है, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। ये तो समीर का नंबर है। इतनी रात गए, ये तो पूरी तरह नीचता पे उतर आया है। मैं देखता हूं। नहीं बेटे, गुस्से में इंसान पर शैतान सवार होता है, तुम्हारा बात करना ठीक नहीं है। हिना बेटी, जरा तुम उठो। हेलो, क्या कहा उसने? आप इसी वक्त फैजान अंकल के घर चलेंगे? जरूर, वैसे भी समीर से मुझे मिलना ही है। लेकिन बेटी, तुम फैजान के घर क्यों जाना चाहती हो, और वो भी रात के इस वक्त? तौकीर और नमीरा वहीं पे हैं। नमीरा वहां पे सीढ़ियों से गिरी और क्या? नमीरा गिर गई है? अरे लेकिन उसकी हालत तो ऐसी है कि अबू, आप हमें इजाजत दीजिए कि हम उसके घर जाएं। प्लीज अबू, नमीरा की खातिर, आखिर वो मेरी बहन भी तो है। हाँ बेटे, जरूर जाओ, लेकिन जरा एहतियात से, जरा हीना बेटी का भी ख्याल रखना, और जैसे भी हालात हो मुझे बता देना। आप नहीं चलेंगे? नहीं बेटे, मैं जाना तो चाहता हूँ, मगर बैटरी खत्म हो गई। अबू, मैं इसे यहीं छोड़े जा रहा हूँ। आओ।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? मैं डायग्नोस कर रहा हूं, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। अबू आप प्लीज बैठ जाइए। बेटे मेरी फिक्र छोड़ो, अल्लाह से दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वाले अंकल, हमें जैसी नमीरा के बारे में पता चला हम लोग फौरन यहाँ पे चले आए। कैसी है वो? एक दरख्वास्त करूंगा आपसे, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। इतनी अपनाइयत मत दिखाइए कि अपनों पर से भरोसा उठ जाए। नमीरा कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। नमीरा उस कमरे में है, बेहोश है, डॉक्टर चेकअप कर रहा है। हीना, मैं यहीं पर रुकता हूँ, तुम नमीरा के पास जाओ। डॉक्टर साहब प्लीज बताइए ना, मेरी नमीरा के लिए कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये गिरी और नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप सच बताइए, कोई सीरियस बात तो नहीं है? प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, अब तक तो कोई खतरा नहीं है, अगर आपने देर कर दी तो खतरा बढ़ भी सकता है। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, हमें देर नहीं करनी चाहिए, फौरन नमीरा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए। किधर जाने गए तुम लोग? अंदर नहीं जाने को बोला, अंदर नहीं जाने का, हट, अंदर नहीं जाने का, हट, किसे सुनने का? रुक जाओ बाहर जा, अंदर नहीं जाने को बोला। ए, क्या हो रहा है? क्यों मार रहे उसको? ये सब हुआ कैसे? तौकीर, तौकीर सब ठीक हो जाएगा। खुदा बेरहम नहीं है मेरे भाई। हाँ वो अपने बंदों का इम्तिहान जरूर लेता है, मगर उसमें भी कोई ना कोई मसलियत जरूर होती है, और जो उसके बंदों के लिए अच्छी ही होती है। तुम देखना तौकीर, जो भी होगा अच्छा ही होगा। जस्ट रिलैक्स होके। अकरम ने गलत नहीं कहा तौकीर, हमें उस पाक परवरदिगार की रहमतों से मायूस नहीं होना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ मैं ऐन वक्त पर पहुंच गया सरफराज साहब, वरना उन गुंडों के सर पर तो खून सवार था। लेकिन ये अकरम और हिना, वो दोनों घर पे नहीं है। पहुंचे नहीं? मेरे घर से तो कब के निकले हुए हैं? कहाँ रह गए होंगे? क्या उनके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? वो दोनों फैजान के यहाँ गए। फैजान साहब के घर इतनी रात गए?
लेकिन क्यों? वो तौकीर का फोन आया था, नमीरा सीढ़ियों से गिर गई है और वो प्रेग्नेंट थी। या खुदाया, खैरियत तो है? मैंने कहा तो था अकरम से कि जो भी हालात हों मुझे खबर करे, लेकिन अभी तक उसका फोन नहीं आया। फोन तो उसने मुझे भी नहीं किया। मैंने उससे कहा था कि घर पहुंचते ही फोन करे, लेकिन जब उसने फोन नहीं किया तो मुझे फिक्र हो गई। मैंने उसको मोबाइल पे फोन नहीं, मोबाइल उसका यही है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। लेकिन यहाँ का फोन भी एंगेज मिल रहा था। हा? फोन तो ठीक है। अरे ये रिसीवर ऐसे क्यों रखा? हिना शायद बेख्याली में रख दी और मुझे भी ख्याल नहीं आया। अब अगर वो फोन कर भी रहा होगा तो आप फैजान मियां के यहाँ फोन कीजिए ना, जरा खैरियत पता कीजिए नमीरा की, अकरम और हिना की। जी हाँ, मैं सरफराज बात कर रहा हूँ। हाँ वालेकुम सलाम हैदर मियां, जरा अकरम से बात करवा दीजिए। ओ ठीक है, हाँ खुदा हाफिज। मिर्जा साहब वो दोनों वहां खैरियत से पहुंच गए हैं, लेकिन नमीरा की हालत कुछ तश्वीशनाक है, उसे हॉस्टल में एडमिट करवाया गया है। ओ खुदा करे सब खैरियत हो। आमीन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि समीर इस तरह से गुंडागर्दी पर उतर आएगा। लड़के ने तो हद कर दी, उसने तो अपने बुजुर्ग का भी लिहाज नहीं किया। उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा सरफराज साहब। मैं कल सुबह तक इंतजार करूंगा और फिर यहीं से कमिश्नर साहब को फोन करूंगा। अब खतरे के बाहर है। हाँ एक कॉम्प्लिकेशन हो गई, अगर हम बच्चे को बचाते तो पेशेंट का बचना नामुमकिन था। वेल नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर। हम मिल सकते हैं उनसे? इस वक्त तो बेहोश है, होश में आने के बाद अपने कुछ समय बाद मिल सकते हो। एक्सक्यूज मी।